दुनिया आपके राय से नहीं आपको उदाहरण से बदलेगी। हेलो, मैं हूँ सर्वत हुसैन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज आपके सामने बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर आए हो। बहुत समय की पहले की बात है, एक राजा था, वो एक रस्ते से गुजर रहा था। वो देखता है एक आदमी आराम कर रहा है, वो उतर के उसके पास जाता है, बोलते तुम इस रस्ते पे क्यों लेटे हो? तो वो बोलता है मेरे पास कोई काम नहीं, कोई नौकरी नहीं है, अगर आप मुझे कोई नौकरी दे दे तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। तो राजा बोलता है ठीक है, मैं तुमको नौकरी तो दे दूं, मगर तुम्हारे में एक अच्छाई बताओ जो हो कि मैं तुमको नौकरी दूं। तो वो बोलता है कि मैं जानवर हो चाहे इंसान, शक्ल देख के उसके बारे में बता सकता हूँ। तो उसको बड़ी हैरत होती, कहता है ठीक है तुम मेरे अस्तबल में नौकरी कर सकते हो। वो उसको अपने अस्तबल में रख लेता है। कुछ दिन गुजरता है, राजा अपने सबसे पसंदीदा सबसे महंगे घोड़े को लेकर उसके पास आता है और पूछता है तुम इसके बारे में क्या बता सकते हो? तो वो घोड़े को देखता है, बोलता है जैसा भी हो नस्ली नहीं है। तो उसका बड़ा गुस्सा आता है, राजा बोलता है जा बुला के रहो घोड़े वाले को। सिपाही घोड़े वाले को लेकर आते हैं और उस घोड़े वाले भी सवाल किया जाता है। घोड़े वाला बोलता है सही कह रहे हैं, ये नस्ली नहीं है, क्योंकि जब पैदा हुआ था उसकी माँ मर गई थी, ये गायों के साथ पला बढ़ा, उसी का दूध पिया है, तो उसी की तरह वो हो गया है। तो बोला कि ये बात तुमको कैसे पता चली कि ये नस्ली नहीं है? तो बोलता है कि ये गाय की तरह सर झुका के खाता है, जबकि नस्ली घोड़ा मुंह में दबाता है और खड़ा होकर खाता है। तो राजा बड़ा खुश होता है, उसको इनाम देता है, उसको उसके घर में अंडा मुर्गी और राशन पहुंचवा देता है, उसको उठा के रानी महल में नौकरी दे देता है। कुछ दिन गुजरते हैं, फिर बोलता है कि तुम्हें तुम्हारा मेरे रानी के बारे में क्या ख्याल है? तो बोलता है तौर तरीके से तो रानी है मगर खानदानी नहीं है। तो उसको बड़ी हैरत होती है, अपने सास के पास जाता है, उससे पूछता है ये क्या मैं सुन रहा हूँ? तो सास बोलती है वो सही कह रहे हैं कि तुम्हें मेरे आपके पिता मेरे शोहर थे, जब मेरी बेटी पैदा हुई थी तो बात रिश्ता तय कर लिया था, मगर 6 महीने बाद मेरी बेटी का इंतकाल हो गया, तो मैंने अपने घर में काम कर रहे नौकर की बेटी को गोद ले लिया था ताकि तुम्हारे रजवाड़े खानदान से रिश्ता बना रहे, तो तुम्हारे तत्पर में उसकी शादी कर दी। तो पलट के आता, कहते तुमको कैसे पता चला कि वो खानदानी नहीं है? तो बोलता है कि रानी का नेचर नौकरों के साथ बहुत बुरा था, उनका व्यवहार बहुत बुरा गवारों वाला था, जबकि खानदानी लोग का अखलाक बहुत अच्छा होता है और लोगों के साथ उनका अखलाक और अच्छा होता है, तो आपकी रानी में नहीं था। तो राजा बड़ा खुश होता है, फिर उसको अपना कुछ पैसे इनाम में देता है, उसके घर में राशन वाशन भरवा देता है, छोटा सा घर उसको किराए पे घर दे देता है कि तुम इसमें रहो। फिर कुछ वक्त गुजरता है, राजा बोलता है कि तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है? तो बोलता है जान की सलामती हो तो बोलूं। तो बोलता है हाँ ठीक है ना, बताओ, मैं तुम्हारी जान मैं नहीं लूंगा। तो बोलता है कि आप भी खानदानी नहीं। तो उसको बड़े हैरत होती है, अपनी माँ के पास जाता है, बोलता है ये बताओ क्या मेरे बारे में क्या बताना है आपको, सच बताइए कि मैं कौन हूँ? तो बोलता है कि वो उसकी माँ बोलती है कि तू एक चरवाहे का बेटा है, मेरी कोई औलाद नहीं थी, अब मुझे ये राजवंश चलाना था तो मैंने चरवाहे से तुमको खरीद लिया था, अब पाल को उसके बड़ा किया। तो उसको बड़ी हैरत होती है, पलट के जाता है, बोलता है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं एक चरवाहे का बेटा हूँ? कहा कि जब बादशाह खुश होते हैं ना तो हीरे जवाहरात देते हैं, सल्तनत देते हैं, जायदाद देते हैं, जमीन देते हैं, तुम मुझको मुर्गी अंडा राशन दे रहे थे, ये एक चरवाहे का नेचर हो सकता है, एक राजा का नहीं। यानी इससे ये पता चलता है कि इंसान को चाहे हुकूमत मिल जाए, सल्तनत मिल जाए, राजा हो जाए, पैसा बेशुमार आ जाए, उसका अखलाक उसका पता देते हैं कि वो कौन है। कहते तेरा अखलाक पता देते हैं तेरी बुलंदी का, तेरे अखलाक पता देते हैं तेरी बुलंदी का, तेरा झुककर मिलना बताता है कि आसमां है तू। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।